दोस्तों आप भी शॉक हो गए होंगे थंबनेल देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसी बिल्ड अंडर 1,65,000। इस पीसी में हम गेमिंग, एडिटिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट वगैरह जैसे सभी काम बड़े ही जेन्युइनली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर हम बात कर लेंगे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हम लेंगे AMD 7000 सीरीज का राइजन 9 7900 प्रोसेसर। दोस्तों इस प्रोसेसर में आपको 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। 3.8 GHz की क्लॉक स्पीड और 5.4 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। और तो और 75 MB का कैशे डाटा देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये AM5 सॉकेट को सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर राइजन के वन ऑफ द फाइनेस्ट मेकिंग में से एक है। बात अगर इसकी प्राइसिंग की करें तो ये आपको ऑनलाइन 45,000 रुपए का मिल जाएगा, वहीं ऑफलाइन में आपको लगभग 42,000 रुपए तक का भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट हम यूज करेंगे वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हम लेंगे एसुस का B650M गेमिंग मदरबोर्ड। दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है ये AM5 सॉकेट को सपोर्ट करता है और तो और AMD 7000 सीरीज के लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में DDR5 RAM भी सपोर्ट करती है। इस मदरबोर्ड में आपको नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। बात अगर प्राइसिंग की करूं तो ये आपको बड़े आराम से ऑनलाइन 22,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है, वहीं ऑफलाइन प्राइस में लगभग इसका 20,000 रुपए के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हम यूज करेंगे रैम। तो रैम के लिए हम ले रहे हैं कॉर्सेयर का वेंजियंस 32 GB रैम, जो कि 16 16 GB की दो स्टिक बनके बनेगी। इस रैम में आपको 5200 MHz की स्पीड देखने को मिल जाती है और तो और ये एक DDR5 रैम है जो कि हमारे पीसी के लिए सबसे ज्यादा कंपेटेबल है। बात अगर इसकी प्राइसिंग की करें तो ये आपको बड़े आराम से ऑनलाइन 14K में देखने को मिल जाएगा, वहीं ऑफलाइन में इसका प्राइस आपको 11,000 रुपए में मिलेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए हम ले रहे हैं सैमसंग का 970 EVO 1TB स्टोरेज। दोस्तों 1TB स्टोरेज हमारे पीसी के लिए काफी होगा। ये एक NVMe SSD है तो स्पीड की कोई टेंशन नहीं। इस SSD में आपको 3500 MPS की रीड स्पीड और 3300 MPS की राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। इस रैम के लिए मिनिमम 600 W का पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। ऑनलाइन ये आपको बड़े आराम से 6,000 रुपए का मिलेगा, वहीं ऑफलाइन में इसका प्राइस आपको 5500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम ले रहे हैं ग्राफिक कार्ड, जिसके लिए हमने लिया है एसुस का डुअल GeForce RTX 4070 ग्राफिक कार्ड, जो कि एक 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। दोस्तों अब आपका कितना भी हैवी काम क्यों ना हो, कितना ही हैवी वर्क या फिर कोई भी काम ये आराम से हैंडल कर लेगा, भले ही हैवी से हैवी एडिटिंग ही क्यों ना हो। दोस्तों ऑनलाइन इसका प्राइस आपको 68,000 रुपीज का मिलेगा, वहीं ऑफलाइन में इसका प्राइस लगभग 6500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट हम ले रहे हैं वो है डीप कूल का AK620 एयर कूलर, जो कि हमारे पीसी को कूल रखेगा, जिससे हैवी वर्क के दौरान कोई भी इशू ना हो। इसका प्राइस भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 6,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अगला कंपोनेंट हम लेंगे कैबिनेट और पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए हम ले रहे हैं डीप कूल का PM850D, जो कि एक 850 W का PSU है। दोस्तों ये जो PSU है ये 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। इसका प्राइस आपको ऑनलाइन लगभग 6,000 रुपए का देखने को मिल जाता है। और कैबिनेट के लिए हम ले सकते हैं एंड स्पोर्ट्स का IS511 कैबिनेट, जो कि एक RGB कैबिनेट है और इसका प्राइस भी आपको लगभग 6,000 रुपए के आसपास का मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का पीसी बिल्ड वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।